नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। क्यूबिक वाले स्टूडेंट जो कि हर वीडियो में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्यूबिक के रिजल्ट का क्या हो रहा है, क्यूबिक के रिजल्ट क्या आ रहे हैं कि रुके हुए हैं, जिन्होंने डीएलआई चेंज कर लिए उनका क्या बना हुआ है, क्या सिस्टम चल रहा है, तो क्यूबिक को लेके ए टू जेड अपडेट जो रिजल्ट को लेके पर्टिकुलर है आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। अब तक की जो डेवलपमेंट है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सो यहाँ पे स्टार्टिंग में पहले मेरी एडवाइस है कि मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे, और साथ में अगर आपने कैनेडा के एप्लीकेशन Gen 22 इंटेक की अप्लाई करनी है तो आप वीजा ऑफिस की टीम को हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर विच इज 9041090410 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। पहला जो मेन क्वेश्चन लेते हैं आपका, क्या क्यूबिक वाले कॉलेजेस के, स्पेशली उन 10 कॉलेजेस के रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो मेरा आंसर है कि यस, आ रहे हैं, लेकिन लिमिटेड वे में। अगर आप इसको कंपैरिजन में जाओगे, अगर कंपैरिजन करेंगे रेस्ट ऑफ कनाडा से, तो आपको पता है कि क्यूबिक में जितने बच्चे अप्लाई करते हैं, अगर रेस्ट ऑफ कनाडा देखेंगे तो 50% बच्चा तो टोरंटो साइड अप्लाई करता है मैक्सिमम, अगर कनाडा में जो भी जाता है इंटरनेशनल। तो वेरी ऑब्वियस है कि क्यूबिक के बाहर के रिजल्ट आपको ज्यादा दिखेंगे एज कंपेयर टू अगर आप अकेले क्यूबिक को एक तरफ से देखेंगे, बाकी प्रोविंस इतनी सारी है। तो यहाँ पे क्यूबिक के रिजल्ट आ रहे हैं लेकिन ओवरऑल थोड़ा स्लो सिस्टम चल रहा है। अभी जो मेरी नॉलेज में जिन कॉलेजेस की पीपीआर आई है, लिमिटेड वे में आनी स्टार्ट हुई है, उसमें सीडीआई के काफी अप्रूवल्स आ रहे हैं, कनाडा कॉलेज के कुछ आए हैं, एवलॉन कॉलेज के आए हैं, माइलस्टोन कॉलेज के आए हैं। इन कॉलेजेस के जो मेरी नॉलेज में है पीपीआर आए हैं और मैंने खुद देखे हुए हैं, तो मैं आपको इतना श्योर कर सकता हूं कि क्यूबिक के रिजल्ट रुके नहीं हुए। जब से आपने डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोवाइड किए हैं, हम एसी ने भी अपडेट किया था कि वो असेसमेंट कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, रोकी नहीं गई, तो क्यूबिक के रिजल्ट आ रहे हैं। हालांकि जब स्टार्टिंग में रिजेक्शन आई थी तो काफी बच्चों को रिजेक्शन भी मिली थी, उसमें क्यूबिक के बच्चे भी थे। तो जब क्वेश्चन है कि क्या रिजल्ट आ रहे हैं, स्लो जरूर है लेकिन यस, क्यूबिक के रिजल्ट आ रहे हैं, उसमें अब फाइनली जब से ये पीपीआर स्टार्ट हुई है कुछ पीपीआर दिखनी भी स्टार्ट हुई है। अब दूसरा मेन जो आपका क्वेश्चन है कि जिन्होंने डीएलआई चेंज किया है क्या कारण है कि उनके रिजल्ट लेट हो रहे हैं या रिजल्ट नहीं आ रहे? तो देखिए, डीएलआई चेंज को लेकर आपने कुछ प्रोफाइल में अपडेट किया, कहने का मतलब कि आपने अपना जो स्टडी का प्लान था उसमें चेंज किया, आपने एक एडिशनल डॉक्यूमेंट उनको दिया। तो होता क्या है, नॉर्मली जो प्रोसेसिंग रहती है इस केस को वो स्ट्रीमलाइन में काउंट नहीं कर सकते। मतलब आपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए, उन्होंने रिव्यू किए, आपने पहले डीएलए चेंज कर लिया तो उस पर एक्स्ट्रा रिव्यू चाहिए, वीजा ऑफिसर को बहुत टाइम चाहिए उसको एनालाइज करने के लिए, क्योंकि फेयर डिसीजन देना होता है। उनकी जो लॉज होते हैं, उनकी जो पॉलिसीज होती है, उसमें मेंशन होता है कि आपका डिसीजन फेयर होना चाहिए, आपने हर एंगल से प्रोफाइल को देखना है, रीजन को समझना, और हर डॉक्यूमेंट को जो भी उस केस से रिलेटेड है आपने उसको अच्छी तरह से चेक करना, उसके बाद ही अपना डिसीजन देना। यही कारण है कि जब आप डीएलए चेंज कर लेते हो तो उनको डिसीजन देने में टाइम लगेगा, उनको डिटेल में एनालाइज करने पड़ेगा आपका पर्पस क्या था, अब जो नया डीएलए चेंज किया है उसका आपको जो स्टडी को लेके आपने प्लान अपना अपग्रेड किया उसमें क्या ऊपर से एडिशनल डॉक्यूमेंट गए हैं बाद में उन्होंने जब मांगे थे। तो ये सारे एक रीजन है कि जब एडिशनल डॉक्यूमेंट जाते किसी भी फॉर्म में तो प्रोसेस डिले होता ही होता है। आप वेब फॉर्म भरते हो तो आपको पता है उसको रिव्यू करना है, डॉक्यूमेंट को फाइल में लगाना, तो वीजा ऑफिसर के लिए थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम करता है। यही कारण है कि जो क्यूबिक वाले रिजल्ट है जो पूछ रहे हैं उनके रिजल्ट स्लो है, क्योंकि एक तो पहले आपको पता है कि वो वेरिफिकेशन में कॉलेज चले गए, उसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट मांग लिए। तो ओवरऑल कंक्लूजन पे आते हैं, अगर कंक्लूड करें इस वीडियो को तो यस, फाइनली रिजल्ट क्यूबिक के आ रहे हैं। और अगर पॉजिटिव रिजल्ट की बात करें तो मैंने जिन कॉलेजेस के नाम लिए इनके रीसेंट अपडेट में मेरे नॉलेज में है कि इनके जो रिजल्ट है इनके पीपीआर भी है। इसका मतलब ये नहीं है अगर मैंने चार नाम लिए तो बाकियों के नहीं आ रहे, बाकियों की भी प्रोसेसिंग हो रही है। क्यूबिक के 10 कॉलेजेस के बिना जो बाहर वाले कॉलेजेस है उनकी भी प्रोसेसिंग हो रही है। अब उम्मीद यही है, जैसे आईआरसीसी ने भी अपनी कमिटमेंट रखी है कि आने वाले दिनों में या अगस्त एंड से पहले पहले जो क्यूबिक के स्टूडेंट है उनके भी मैक्सिमम के रिजल्ट उनको मिल जाएंगे। आई होप अब जिनको रिजल्ट मिले इतनी वेट के बाद उनको पीपीआर ही मिले, उनको अप्रूवल ही मिले, ताकि उनका इतना उन्होंने वेट किया, इतनी इन्वेस्टमेंट करके रखी तो उसका उनको कहीं ना कहीं जो इतनी वेट का है डिसीजन की फॉर्म में गुड रिजल्ट उनको मिलना ही चाहिए। दुआ करते हैं कि ऐसा ही और क्यूबिक वाले मैक्सिमम बच्चों को अप्रूवल की फॉर्म में उनके रिजल्ट मिले। तो ये क्यूबिक की अब तक की अपडेट थी, ऐसी अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, एंड स्टूडेंट वीजा की एप्लीकेशन के लिए आप वीजा ऑफिस की टीम जो कि 10 साल से स्टूडेंट वीजा की सर्विस प्रोवाइड करिए, आप हमें कॉल कर सकते हैं 9041090410। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो लेके फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार।